वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंगिको के कुछ टूल लेके आया हूँ जो मैं अपने कारपेंटर भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने इधर के लिए अपने वॉल के लिए मंगाए हैं, डिस्प्ले के लिए, और कुछ टूल मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। और दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा ये आपको कहाँ से परचेज करने हैं, ये इंडिया में सबसे सस्ते आपको कहाँ से पड़ेंगे। और जो दोस्तों चाइना के टूल है, मेड इन चाइना का है, यानी कि कई भाई बोलते हैं आप चाइना के टूल दिखाने, चाइना में भी दोस्तों जैसे डिवाल्ट, मकीता, ये बोझ, ये सारे टूल जितने भी चाइना में बनते हैं, चाइना में भी क्वालिटी है बी सी, ये यानी कि वन एक क्वालिटी का है ये। और दोस्तों इस वीडियो का जो सा लाइक का टारगेट है वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता है कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का टारगेट बटन दबा देंगे। और दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो सा आप बॉक्स देख रहे हो इसके अंदर काफ़ी टूल हैं, ये मैं आपको एक एक करके चला के एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनिशिंग सेंडर की करते हैं ओपनिंग इसकी। दोस्तों ये मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और आपको साथ के साथ इसमें मैं आपको प्राइस भी बताता रहूँगा, वो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, 5 तो हमें ये शीटें मिलती हैं, रेगमल शीटें, सेंडर शीट मिलती हैं, और ये मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर दिखाया जाता है किस तरीके से ये गाइडनेस है इसके अंदर, और 2 हमें कार्बन मिलते हैं ये। और दोस्तों ये इस तरीके से इसके नीचे ये रेगमल लगता है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसके साथ जो थी वायर है हमें मिलती है, 1.5 मीटर के करीब वायर मिलती है, कॉपर वायर है इसके अंदर, ये देखिए। दोस्तों इसको मल्टीपर्पज़ है, जहाँ जैसे वाल के ऊपर, लोहे के ऊपर, वुड के ऊपर, जैसे मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस तरीके से इसका ये लगता है, ये देखिए, ये इस तरीके से इसके रेगमल, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये कम से कम 6 mm के करीब है इसका जो सा ये पैड इन्होंने दे रखा है। और दोस्तों इसके ऊपर वेट, यानी कि आपने अगर 10-12 किलो भी वेट डाल दिया ना तो भी बड़ी आसानी से ये चलता है। ये इसके पेपर ऐसे टाइट हो जाता है, ये हमें अंदर करना पड़ता है पेपर यहाँ से, और ये ऐसे टाइट हो जाता है। और ये इस तरीके से इसकी स्पीड एक ही है, यानी कि कम बढ़ती नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर इसके ये कार्बन पड़ते हैं इसके अंदर दोनों तरफ। और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, यानी कि पकड़ने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल है ये। चलो और दोस्तों इसका मैं आपको प्राइस भी बता दूँ, इसका प्राइस है 2300 रुपये का, ये प्राइस है 2300। इसको मैं साइड कर देता हूँ। दोस्तों पहला प्रोडक्ट मैंने दिखा दिया, दूसरा प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, ये मिनी ग्राइंडर है। दोस्तों ये किस काम आता है, जैसे हम कार्बिन वगैरह करते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर ग्राइंडर होते हैं, वो भी हमें इसके साथ एसेसरी 52 पीस मिले हुए हैं, 52 पीस हैं इसके साथ। और दोस्तों इसका प्राइस अब मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाई मुझे बोलते हैं आप प्राइस नहीं बताते। दोस्तों 1700 रुपये का पड़ता है और 130 वाट का है। कैमरा थोड़ा नज़दीक ला के हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये इसका बॉक्स मिलता है, काफ़ी प्यारा बॉक्स है, इसके अंदर टूल हमारा काफ़ी सेफ रहता है। दोस्तों ये मैनुअल बुक है, इसके अंदर गाइडनेस वगैरह दी होती है उनको, वो जो उनसे मैं आपको बता ही दूंगा। और दोस्तों ये हमारा मिनी ग्राइंडर है, इसके साथ जो सी वायर है कम से कम 1.5 मीटर के करीब कॉपर वायर है, और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और ये इसके यहाँ पर इसके कार्बन लगते हैं इस जगह इसके, और ये इसके साथ इन्होंने ग्राइंडर एक वायर दे रखी है, जो सा जहाँ मर्जी हम हाथ के साथ बेशक अंदर टेढ़े मेढ़े काम जैसे करना हो, काफ़ी फ्लेक्सिबल वायर है ये, देखिए जिस तरीके से मर्जी आप कर सकते हो इसको, ये हम इसके अंदर फिट कर लेंगे। और दोस्तों ये इसके साथ इन्होंने थोड़े से एक्सेसरी वगैरह दे रखी है, जो उनसे ग्राइंडर हैं, ये छोटे छोटे मिनी ग्राइंडर वगैरह हैं छोटे छोटे, इसके अंदर रेगमल वगैरह हैं, ये मैं इसके अंदर से निकाल लेता हूँ, इसको इसके अंदर डाल लेते हैं और इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। मैं एक बार आपको बिल्कुल नज़दीक से भी दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम है इसके साथ, अब मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों शुरू में ये हमारा लगा होता है, इसको हम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लॉक लग जाता है, यानी कि जिस तरीके से ये हमारा लॉक लग गया, ठीक है, इसको ढीला कर लेंगे और इसको हम इसके अंदर डालेंगे, और ये इसके साथ इन्होंने चाबी दे रखी है, और इसकी मदद से इसको हम इसको टाइट कर लेंगे, जो सा हमारा वायर का लॉक होगा वो हमारा टाइट हो जाएगा इससे।
ठीक है, ये हमारा टाइट हो गया। अब इसको आगे जाके हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे। अब दोस्तों इन्होंने जैसे ये दे रखे हैं, आप नज़र आ रहे होंगे, देखो ये रिगमल दे रखा है, ये इसके साथ इसका ये हेड दे रखा है जिसके अंदर ये रिगमल जाता है, इसके अंदर से ये जाता है। तो हम इसको कैसे फिट करेंगे, इन्होंने ये अलग अलग तरीके के मुंह दे रखे हैं। ये यहाँ से इसको लगेगा, ये देखिए ये यहाँ से खुलेगा इसका करके वायर, ये हो गया। अब इसको मैं ढीला कर लेता हूँ, ठीक है। ये इन्होंने अलग अलग मुंह दे रखे हैं जिस तरीके के हैं, कोई कम बढ़ती है, ये देखिए ये निकल जाएगा, ये देखिए ये इन्होंने तीनों अलग अलग मुझे करके दे रखे हैं। हर एक का अपना अपना अलग अलग साइज है, ये तीन चार हमें इसके साथ ये मिलते हैं, ये देखिए ये ड्रिल हम चेकनेट बोल सकते हैं, छोटे छोटे चेकनेट है मेरे हाथ में, ये ड्रिल के साइज है जिस हिसाब से उस हिसाब से है। हम क्या करेंगे, ये बड़े वाला डालेंगे इसके अंदर, और ये भी इन्होंने दो मुझे कैप इसकी दे रखी हैं, ये मैं इसकी ये डाल लूँगा, ठीक है। और मैं इसके साथ ये फिट कर लेंगे, छोटा डाल दिया इसका, ये वाला डालना था इसके साथ, ये लगनी थी इसके साथ, ये लगे। तो दोस्तों चाबी की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे, ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके अंदर ये हम डालेंगे रिगमल, अब इसको ऑन करता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों। कोई भी आपको जैसे कार्बन का वुड वगैरह रखनी है तो इसके अंदर जो सी स्पीड है ये देखिए ये वन पर है, ये टू होगी, ये थ्री होगी, ये फोर फाइव सिक्स, आप जैसे मर्जी हाथ की मदद के से जैसे मर्जी, या कार्बन वगैरह जिस जगह छोटे छोटे होते हैं हमारा हाथ नहीं जा सकता उस जगह हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये यहाँ से हमारा, और लटकाने का भी प्रोविज़न इन्होंने दे रखा है, ये ऐसे ऊपर आपने लटका लिया तो नीचे आप जैसे ऊपर आपने लटका लिया ये, और ये नीचे आप इससे काम करते रहेंगे। दोस्तों ये मिनी ग्राइंडर हमारा, जैसे आप टॉयज वगैरह बनाते हो छोटे बड़े, यहाँ हाथ नहीं जा सकता उस जगह, ये बहुत अच्छा तरीके से ये काम इस्तेमाल आप लोग इसको कर सकते हैं। दोस्तों ये तीसरा प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, ये अपनी हॉट गन है। ये दोस्तों किस काम आती है, जैसे माइका वगैरह हम लोग जैसे उखेड़ते थे पहले ब्लोअर पंप के साथ करते थे, आजकल ये हॉट गन आ गई है। पहले हम उसको क्या करते, टेढ़ा करते थे, वो बंद हो जाता स्टोव, इसको रफ टप आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये दोस्तों 2000 वाट की है, और इसका जो सा प्राइस है वो 1400 रुपये है। ये दोस्तों कम रेंज है, जो सी मैं इंडिया में आपको कम रेंज है, यहाँ पर टूल मिलेंगे, सामने आपको अपना उसका कंपनी का कार्ड नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर जाके जिस भाई ने परचेज वगैरह करनी तो सामने कार्ड पर नंबर नज़र आ रहे होंगे आपको, तो वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, दोस्तों जो से इसके साथ वायर मिली है 1.5 मीटर के करीब हमें वायर मिली है, और इसके साथ ये हमें 3 से गाइनेस टूल मिलते हैं, यानी कि एयर वगैरह इसकी सामने डालनी है, आपने किधर ज़्यादा तेज में डालनी है तो ये इस टाइप के लिए ये यहाँ आगे लग जाता है, कोई भी चीज़ आपको उखेड़नी वगैरह किसी चीज़ से ये इस जगह लगते हैं। दोस्तों ये तीन हमें जो से आपको देख रहे थे 4 टूल मिले हुए हैं, ये सिर्फ एयर को डायरेक्शन देने के लिए, भी आपको सीधी चाहिए कि जैसे ये लग गया किस टाइप में चाहिए आपको, और ये सामने लग गए थे ये ऐसे करके निकलेगी, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ एयर जाएगी हमारी, जितनी भी सामने नहीं जाएगी नीचे की तरफ जाएगी। दोस्तों चौथा प्रोडक्ट हमारा इंडिगो के ये स्क्रू ड्राइवर हैं, ये मेरे पास देख रहे हैं आपको अलग अलग किस्म के हैं, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं चिसल है। तो दोस्तों ये मिनी स्क्रू ड्राइवर है, ये देखिए ये कहीं भी छोटे मोटे जैसे दराज वगैरह में हम लोग काम करते हैं, चैनल वगैरह करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, ये कम से कम होगा 4 इंची का ये, और इसके ऊपर प्राइस है जिनसे दे रखा है 100 रुपये इसका प्राइस है,
ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने वॉल ये पैनल मेरा खाली है तो मैंने वहाँ डिस्प्ले करने हैं, तो आप वीडियो में देखते भी रहोगे। और दोस्तों ये वाला है हमारा, इसके साथ हमें मिलते हैं आठ पीस का सेट है, इसके अंदर अलग अलग हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसका प्राइस भी है 300 रुपये इसका प्राइस है। और एक ये वाला है स्क्रू ड्राइवर, और इसका प्राइस है 275 रुपये, पौने 300 रुपये का है। और दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं ये स्क्रू ड्राइवर, ये नहीं है कि ऐसे ही हैं, ये देखिए इसकी इनकी ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से आप पकड़ने के लिए भी, अंगूठा वगैरह थंब के लिए भी जगह दे रखी है, तो काफ़ी अच्छे पकड़ इसकी है। और ये वाला देखिए, कहीं हमारा जगह नहीं होती है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये भी स्क्रू ड्राइवर है, तो इसका प्राइस इन्होंने दे रखा 300 रुपये। ये भी इस तरीके से हमारा काम करता है। और ये वाला थोड़ा सा लचकीले में आता है, यहीं जिस जगह जब हम जैसे ये वायर इसकी दे रखी है, स्प्रिंग वायर है, तो इसके साथ भी ये वाला सेट है, ये देखिए पूरा। और इसका प्राइस इन्होंने दे रखा है 190 रुपये, 190 रुपये। और ये वाला स्क्रू ड्राइवर देखिए, ये वाला, और इसके साथ भी पूरे इन एलकी वगैरह ये सारे सेट हैं इसके साथ, हरे यानी कि मल्टीपर्पज़ सेट है। और छोटे वाला भी इसके अंदर, जैसे अपने मोबाइल वगैरह के हम स्क्रू वगैरह खोलने होते हैं तो उसके काम आएगा। और इसका प्राइस है 750 रुपये है। और दोस्तों ये इनकी कीसल है इंगिको की, तो ये इसका प्राइस भी दोस्तों सस्ते में है, ये है 170 रुपये की है। और ऊपर इन्होंने देखे चोट मारने के लिए स्टील का दे रखा है, और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। और ये 19 mm, ये अपने 19 mm की है, यानी कि 0.25 इंची की है, ये लटकाने के लिए ऐसे हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दिए। दोस्तों पांचवा प्रोडक्ट हमारा क्लंप है, जैसे कि आप तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, इनके प्राइस भी बताता हूँ। ये स्प्रिंग वाला क्लंप है, छोटे वाला 2 इंची का, दोस्तों इसका प्राइस है 75 रुपये। ये देखिए पकड़ बड़ी तगड़ी है दोस्तों इसकी, एडजस्ट हो जाता है अपने आप, जैसे जिस तरीके मर्जी है। और ये और छोटे वाला क्लंप है, ये वाला जिस तरीके से हम वुड वगैरह को टाइट करना होता है हमें, ये है 275 रुपये का। मैं ये भी बता दूं ये कितने इंची का है, कई भाइयों ने अगर परचेज करना हो तो उनको पता लग जाए, ये 8.25 इंची का इसका साइज है दोस्तों। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी में क्लंप आते हैं, जैसे बोर्ड वगैरह का हम, जैसे हमारी स्कंजियाँ वगैरह रहती हैं, ये उसी तरीके का काम करता है। और दोस्तों ये हमारा क्लंप है, ये भी उसी तरीके इंडिगो का है, ये भी उसी तरीके, ये 12 इंची का है, और इसका प्राइस है 350 रुपये, ये 350 रुपये का। और दोस्तों ये वाला क्लंप है, ये यानी कि इसको इस तरीके से इसको पुश करते हैं, यहाँ से इसको रिलीज़ कर देते हैं, ये होगा हमारा, ठीक है। अगर ऊपर लग वुड वगैरह टाइट करनी है तो इस तरीके से जो ऊपर ऊपर चढ़ जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये स्लिपिंग नहीं होता, इसके अंदर वुड की पकड़ इतनी तकड़ी होती है, कोई भी चीज़ आप डालोगे बड़ी तकड़ी इसकी पकड़ हो जाती है। इसका प्राइस है 400 रुपये का है, ये मेरे का होगा 1.5 फुट के करीब होगा, ये 18 इंची का है दोस्तों, ये 18 इंची का है। और इसके अंदर एक आता है ये है, इसका प्राइस है ये 500 का है, ये 15 इंची का है, इसकी थोड़ी सी रोड हैवी ड्यूटी में है, ये ऐसे हैं चूड़ी वाले हैं ये वाले, ये यहाँ से इसमें देखो ये इसके गरारी बनी होती है, धारे धारे बने होते हैं, इससे ये क्लंप हमारा फ्री नहीं होता ये। और इसके अंदर ये वाला छोटे वाला है जो उनसा स्प्रिंग वाला, ये है 350 रुपये का, इसका साइज भी मैं बता दूं, ये 12 इंची का है। और इसके अंदर ये है, ये साइज है इसके अंदर, ये 24 इंची का है, इसका प्राइस है 450 रुपये है। और सबसे हैवी ड्यूटी वाला ये वाला दोस्तों, इसका प्राइस है 998 रुपये, ये 28 इंची का है। तो दोस्तों ये क्लंप थे मेरे पास जो उनसे मैंने आपको बताए हैं, यानी कि एक किस्म की हम स्कंजी भी कह सकते हैं। ये बाहर की जितनी भी वीडियो आपने देखते होंगे, गोरे वगैरह यही इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तो यहाँ इंडिया में स्कंजी इस्तेमाल करते हैं, तो ये वहाँ पर ये वाले चीज़ें इस्तेमाल वो लोग करते हैं। दोस्तों इंडिगो के मैंने 10 प्रोडक्ट खरीदे थे, वो मैंने सामने आपको रख दिए, 7, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों इसके अंदर ब्रश भी हैं, ये 3 इंची इंडिगो के ब्रश भी आते हैं फेविकोल वगैरह लगाने के लिए, ये देखिए आपको, ये है 75 रुपये का है, और ये 2 इंची का 70 रुपये का, और 1 इंची का इसके अंदर आता है, इसके अंदर रेट मिट गया, कट गया, मिट गया मुझे,
और ये 3 इंची वाला है 125 रुपये का। इसके अंदर ब्रश ज़्यादा लंबे हैं, इसके अंदर थोड़े से शॉर्ट में हैं थोड़े से, और दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं ये। ये नहीं है कि ये देखिए कोई भी छोटा मोटा काम करना हो तो वो कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर दो हमें इसके सामने रेंच भी लिए हैं, ये देखिए दो रेंच है जिनसे 23 से लेकर 32 mm तक खुलता है बड़े वाला, और छोटे वाला 15 से लेकर 22 mm तक खुलता है। ये मल्टीपर्पज़ है, जिस तरीके का मर्जी नट होगा उस तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों वायर कटर है, जैसे हम तार वगैरह छीलते हैं तो तार हमारी कट जाती है, कहीं से नहीं छील जाती, इसके अंदर वायर, जैसे वायर कटर है इसके अंदर फंसाओगे तो इसका कॉपर की काफ़ी सेफ्टी रहती है, कॉपर में टच नहीं होती, बड़े आराम से इसका जिनसे ऊपर का सोल्यूशन होता है वायर का निकल जाता है। और दोस्तों एक हमने ये प्लायर लिया है इसके अंदर, और इसका प्राइस है 190 रुपये है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है, ये हैवी ड्यूटी मुझे लग रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा। इसके अंदर ये मेरे 17 नंबर की कील है, इसके कटिंग करके देखता हूँ ये कैसे कटता है। दोस्तों काफ़ी अच्छी इसकी बिल्कुल मक्खन की तरह कटिंग हो रही है ये। दोस्तों इसकी टेम्पर भी काफ़ी हाई उन्होंने दे रखी है, ये देखिए। और ये नट बोल्ट खोलने के स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, ये भी कम से कम 7 पीस का सेट है, इनमें अलग अलग नंबर हैं इसके अंदर, ये देखिए 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm और 11 mm, 12 mm तक का है, और इसका प्राइस है 750 रुपये। दोस्तों मैं इन दोनों का प्राइस बताना आपको भूल गया था, ये 550 रुपये का रेंच है हमारा, और जो वायर कटर है हमारा 570 रुपये का। दोस्तों इनकी को के मैंने सारे टूल दिखा दिए जो मैंने परचेज किए थे, 10 किस्म के मैंने टूल परचेज किए थे, तो मैंने वारी वारी करके आपको सारे बता दिया भी किस तरीके क्या क्या इनका काम है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है और क्या इसका प्राइस है। अगर किसी भाई को परचेज करने तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बड़े अच्छे कम से कम प्राइस में आप इसको परचेज कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे टूल हैं। ये ना सोचें कि मेड इन चाइना है, चाइना में भी क्वालिटी होती है, ABC ये ए कैटेगरी के टूल हैं, तो करके मैंने दिखाया है। दोस्तों जी आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।